चांदपुर पुलिस ने स्टाम्प विक्रेता के साथ हुई लूट का महज 6 घंटों के भीतर खुलासा किया है। दरअसल बीते दिन चांदपुर क्षेत्र में बदमाशों ने स्टाम्प विक्रेता पवन कुमार मित्तल से 9 लाख के स्टाम्प और 50,000 की नकदी लूट ली थी। लूट की वारदात का खुलासा करने पर खुद पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को 1 लाख के इनाम की घोषणा की थी। सर, जो आज आपके साथ लूट की घटना हुई है, जिसमें बिजनौर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका अनावरण किया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैंने कभी ना ऐसा सोचा ना सुना था कि बिजनौर पुलिस इतनी तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के अंदर मुजरिमों को पकड़कर 9 लाख रुपए के स्टाम्प वे 50,000 की नकदी बरामद कर जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया, उसके लिए मैं और हमारा व्यापार मंडल बहुत बहुत आभारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर पुलिस को 50,000 पुरस्कार की घोषणा की है। इतने बड़े कार्य की और उतने सराहनीय कार्य को देखते हुए ये मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। जिसके बाद SP संजीव त्यागी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने महज 6 घंटों के भीतर वारदात का खुलासा किया और लूट को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को पकड़ लिया। SP संजीव त्यागी ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि बदमाशों को पकड़ने पर गृह विभाग द्वारा भी पुलिस के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है और पीड़ित व्यापारी ने भी पुलिस के कार्य की सराहना करते हुए 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। थाना चांदपुर में दिन दहाड़े आज स्टाम्प विक्रेता के साथ हुई लूट को खोलते हुए पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव में घेराबंदी करके 2 बदमाशों को घटना में प्रयुक्त वैगनार कार के साथ पकड़ लिया है। माल बरामद कर लिया गया है। इस स्टाम्प विक्रेता के यहां मुंशी ने ये पूरी सूचना दी थी। इनके अन्य फरार साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी हुई है।